हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे कि क्या आपको आईफोन 6 अभी लेना चाहिए। अब हम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आया है आप जैसे लोगों की तरफ से और आप लोग पूछना चाहते हैं कि आईफोन 6 क्या सही रहेगा लेना इस समय पे। तो आप जानते ही हैं कि आईफोन 7 लॉन्च हो चुका है, आईफोन 6 पुराना जनरेशन है और ऐसे में अगर जनरेशन की बात करें तो एक और जनरेशन जो रीसेंट जनरेशन है यानी कि आईफोन 6s, उससे भी पहले आईफोन 6 जो है आया था मार्केट में। तो ऐसे में आईफोन 6 ऑलरेडी काफी पुराना हो गया है, तकरीबन 2 साल से ज्यादा आईफोन 6 की एक तरह से लॉन्च डेट के हिसाब से उम्र है। तो ऐसे में अगर आपको आईफोन चाहिए तो ही आप आईफोन 6 लीजिए और आईफोन 6 लेते समय आपके पास क्या क्या और ऑप्शंस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो नया आईफोन 6 तो फिर भी थोड़ा महंगा ही है, लेकिन कुछ लोगों को वो डिस्काउंट में या एक्सचेंज ऑफर में कई बार 23,000 रुपए का या फिर 25,000 रुपए तक का भी मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आपको आईफोन 6 लेना है तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 16GB वाला आईफोन जो है आपने नहीं लेना है, क्योंकि 16GB वाला आईफोन की स्टोरेज कम होती है और समय के साथ वो स्टोरेज और कम होती जाएगी। तो ऐसे में डेफिनेटली आपको आईफोन 6 नहीं लेना चाहिए अगर आपको 16GB स्टोरेज वाला मिल रहा है। तो अगर वो इससे ज्यादा स्टोरेज आपको मिलती है तो डेफिनेटली आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको आईफोन 6 लेना चाहिए इस समय पे। ऐसे में अगर मैं कहूं तो आईफोन 6 डेफिनेटली पुराना है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जिनको आईफोन चाहिए इसलिए कि वो एप्पल का आईफोन है या फिर उसकी एक तरह की फ्लॉन्ट वैल्यू है, जो कि अगेन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। अगर कुछ लोग कहें कि भाई आईफोन फ्लॉन्ट के लिए ले रहे हैं हम, तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप उस तरह से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और ऐसे में आईफोन 6 को आप कंसिडर कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात करूं, ओएस अपडेट्स की बात करूं, तो अगर आप आईफोन 6 लेते हैं जो iOS उसमें प्री लोडेड आएगा उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगले वर्जन ऑफ iOS पे जैसे ही आप अपग्रेड करेंगे आईफोन 6 को तो वो स्लो हो जाएगा और लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS डेफिनेटली आईफोन 6 पे आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं कि आईफोन 6 का जो हार्डवेयर है तकरीबन 2 साल से ज्यादा पुराना है, तो ऐसे में पुराना हार्डवेयर इतने महंगे पैसों में लेना सही नहीं है। अगर आपका 25,000 तक का बजट है और ऐसे में आप आईफोन 6 सोच रहे थे लेना एक्सचेंज ऑफर में भी, तब भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मोटोरोला का मोटो जेड प्ले ले लें, जो कि एक बेहतर फोन है और आपको डे टू डे यूसेज में एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अनलेस कि आपको iOS ही चाहिए, आईफोन का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ही आप आईफोन 6 के लिए जाइए इस प्राइस पॉइंट पे अगर आपको मिल रहा है आईफोन 6, अदरवाइज मैं आपको आईफोन 6 रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि अगर आपको आईफोन ही चाहिए तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि आपको किसी तरह से आईफोन 6s मिल जाए, जो कि डेफिनेटली बेहतर है। आईफोन 6 में फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़े और पैसे बढ़ाइए, पैसे सेव कीजिए और आईफोन 6s लेने की कोशिश कीजिए, आईफोन 6 नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको चलता है एंड्रॉइड फोन तो उस केस में आप मोटो जेड प्ले ले लीजिए, जो कि आपको एक बेहतर फोन मिलेगा। और अगर आप और अपना प्राइस बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो आप OnePlus 3 भी ले सकते हैं। तो ऐसे में जरूरी यह है जानना कि आईफोन लेना कितना जरूरी है और आपको वो चाहिए ही चाहिए, तो ही आप आईफोन 6 पे जाइए और फिर भी आप कोशिश करिए कि आईफोन 6s मिल जाए, आईफोन 6 नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको चलता है थोड़ा सा स्लो OS और साथ ही साथ चलता है पुराना हार्डवेयर, तो आईफोन 6 में कहीं कोई कमी नहीं है, आप डेफिनेटली उसे जो है ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक्सचेंज ऑफर में लीजिए, सेकंड हैंड लीजिए, लेकिन नया आईफोन 6 मत लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए, जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा आपको। अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को दबा के सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद सेव बटन को दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।